मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2024? यहां जाने भविष्य फल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन राशि 2024 के अनुसार वार्षिक राशिफल आपके सामने है। इससे आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला वर्ष आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि 2024 की भविष्यफल। नंबर एक, मिथुन राशि प्रेम 2024। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। नंबर दो, मिथुन राशि करियर 2024। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। नंबर तीन, मिथुन राशि शिक्षा 2024। विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। नंबर चार, मिथुन राशि वित्त 2024। वित्तीय प्रबंध की स्थिति का विचार किया जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत बनेंगे। आपको धन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वही खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के हो सकते हैं। नंबर पाँच, मिथुन राशि परिवार 2024। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। नंबर छह, मिथुन राशि संतान 2024। यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। नंबर सात, मिथुन राशि विवाह 2024। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित है तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। नंबर आठ, मिथुन राशि व्यापार 2024। मिथुन राशि वालों के व्यापार के लिए इस वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध
शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यवसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। नंबर 9, मिथुन राशि संपत्ति और वाहन 2024। यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से वाहन में खराबी आने या फिर वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। नंबर 10, मिथुन राशि धन और लाभ 2024। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे, लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने भी तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 11, मिथुन राशि स्वास्थ्य 2024। मिथुन भविष्य फल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और दसवें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। नंबर 12, 2024 में मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली अंक। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। ये साल मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की तुलना में कुछ कमजोर रहने वाला है। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि खुद मेहनत करके ही अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। ज्योतिषीय उपाय। पहला उपाय यह है कि आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि आप आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। चौथा उपाय यह है कि आप किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।